कृषि कानूनों को लेकर सरकार से हो रही बातचीत से पहले ही भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ू ने अपनी भविष्यवाणी कर दी है। घरौंडा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे चढ़ूनी ने दो टूक कह दिया है कि इस बातचीत में कोई भी फैसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में अब तक 50 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इन किसानों की कुर्बानी तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी। वो भी इसलिए मीटिंग करते हैं कि देसी है ना, हमने मीटिंग बुलाए नहीं। हम भी इसलिए मीटिंग करते हैं कि देसी है ना, कहते हम गए नहीं। और लेकिन उनकी जो नीयत है वो कुछ मानने की नहीं है। अगली मीटिंग में भी कुछ नहीं निकलना है, पिछली में भी कुछ नहीं निकलना, उसकी पिछली में भी कुछ नहीं निकला है। उनकी नीयत जो है वो भी साफ नहीं है। वो देखो और इंतजार करो कि नीति पे चल रही है। 26 को ट्रैक्टर रैली है, 6 को भी ट्रैक्टर रैली है और 23 तारीख को गवर्नरों के वहाँ धरना है सभी जगह पे। तो ये बीच में छोटे प्रोग्राम भी है और 6 तारीख से क्या अभी जो 20 तक जो है एक जागृति अभियान है, उसमें जो है अलग अलग जगह रैलियाँ, अलग जगह प्रदर्शन से वो होती है। उधर धरने पर बैठे किसानों ने मोदी सरकार को एक बार फिर से चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि सरकार अपनी आंखें खोलकर सड़कों पर उतरा किसान का काफिला देखे, ये पीछे मुड़ने वाला नहीं है। अगला कदम ये होगा कि मेन कदम तो हमारा ये होगा कि 26 तारीख ना परेड हम करेंगे वहाँ। आज तक हमारे फौजी भाई कर दिया है, हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे चाचे ताऊ, इनका परेड किसान करेगा राजमार्ग पर। ट्रैक्टर ट्रैली दोबारा देश का 70% ही किसानों का है, कितने मरेंगे, शहीद होंगे, हो जाएंगे। हम इन शहीदों के हर साल याद में मेले लगाए करेंगे। हमारी आने वाली नस्लें जैसे भगत सिंह को हम आज पूछते हैं, उनके जन्म दिवस पर हम, मरण दिवस पर हम मेले लगाते हैं। इसी तरह इन किसानों के जन्म दिवस पर, मरण दिवस पर ऐसे मेले लगाएंगे। गाँव से मात्र शक्तियों ने हिस्सा लिया है और स्टेज पर भी मात्र शक्ति बैठी है। ये कोई आम बात तो नहीं रही। जब एक इतने बड़े आंदोलन में जब हमारी महिलाएं हमारे साथ आगे खड़ी हो गई हैं, फिर तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आर पार होगा, जो होगा देखा जाओगा। इब तो मोदी ने सोचना पड़ेगा, अगर गोली मारा है कानून रद्द कर। तो मोदी जी नहीं मान रहे हैं ना, उनको मनवाने के लिए आए हैं यहाँ पे, अपने दल बल के साथ आए हैं, पूरे गाँव के साथ, पूरे जो युवा है ना हमारे साथ है। मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है सरकार की, अगर नहीं मानेंगे तो सरकार को फिर दूसरी तरह भी मनाने के लिए खड़े हैं। आगामी नीति यही है कि जो दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर लेके दिल्ली को कुछ करने की तैयारी है, और 26 जनवरी पे है ना झंडा फहराने की तैयारी है। मोदी जी अपने देश को बेच चुके हैं, अडानी अंबानी को बेच चुके हैं, इन्होंने हरियाणा पंजाब तो बिल्कुल ही बेच दिया है कि यहाँ से तुम पैसा इकट्ठा करो, ठीक है। अब उनको है ना बेइज्जती महसूस हो रही है, अब वहाँ पे कैसे बोलेंगे आगे देश वापस करो। बिहार और यूपी में क्या कारण है, ये जो 800-800 रुपये क्विंटल धान पिट रहा है, ये क्या कारण है? वहाँ बहुत पहले हो चुका है बिहार में, वहाँ के जो जिम्मेदार है ना यहाँ अपने यहाँ हाजिरी क्यों लगाना आंदे हुए हैं? वहाँ क्या कारण है भाई जी? MSP पे है ना बिहार में, एक दाना भी नहीं लिया गया MSP पे। हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, अब तो सरकार को झुक जाना चाहिए। इतने किसान शहीद हो गए हैं जो बेकसूर थे, हैं, जो नौजवान थे। कल भी एक लड़का शहीद हुआ, 18 साल का था। वो कहाँ आएंगे अब? उन्होंने तो अपना मलाई चाट का अपना भीतर बिल में पड़ रहे, जब मलाई चाटने का टाइम आएगा फिर बाहर आ जाएंगे। आप थोड़ी वो किसान की नहीं सुन रहे, अब किसान की सुनेंगे जब आएंगे, उनको गाँव से बाहर धक्के मार मार के निकालेंगे। जाओ भाई, हमने झूठ नहीं है थारी, हमने झूठ नहीं है। किसानों का आंदोलन जारी है और दूसरी ओर पिछले 3 घंटे से सरकार से बातचीत भी जारी है, लेकिन जिस तरह से चढ़ूनी ने बैठक से पहले ही बातचीत को बेनतीजा कर दिया है, ऐसे में चढ़ूनी की ये भविष्यवाणी कितनी सच साबित होगी, इसका खुलासा बातचीत खत्म होने के बाद ही हो सकेगा। घरौंडा से विवेक राणा, पंजाब केसरी TV।